नमस्कार, मैं हूं वसीम अकरम और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरे साथ सीआईबी इंडिया न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। हरदोई में सोमवार को आसमान से बरसात के साथ आकाशीय मौत भी बरसी। दो जगह पर गिरी आकाशीय बिजली से 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 16 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आकाशीय बिजली गिरने की पहली घटना बहटा गोकुल थाना इलाके के यासीनपुर में हुई। यहाँ के निवासी रामचंद की लड़की की शादी थी। शादी में शामिल होने के लिए कुछ रिश्तेदारी के लोग गांव आ रहे थे। अचानक बरसात होने लगी तो लोग बचने के लिए पेड़ के नीचे खड़े हो गए। अचानक आकाशीय बिजली गिरने से हरिद्वारी व रिश्तेदारी में आई। टंडियावा थाना के बुंदेला निवासी महेंद्र प्रसाद की पत्नी श्रीमती की मौत हो गई। आकाशीय बिजली गिरने से पेड़ के नीचे खड़े 16 अन्य लोग भी जख्मी हो गए। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। सूचना पाकर थाना प्रभारी सीईओ एएसपी समेत अन्य अधिकारी मौके पर पहुंच गए। घायलों का इलाज किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी घटना लोनार थाना इलाके के दहीरापुर में हुई। पाली थाना इलाके के गुरुधरु निवासी मदनपाल गांव के ही रोहित के साथ मछली पकड़ने नदी पर गए थे। अचानक तेज हवा के साथ बरसात होने लगी और आकाशीय बिजली गिर गई जिससे उसकी चपेट में आकर मदनपाल की मौत हो गई। इन घटनाओं से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। कैसी क्या हालत है, कहाँ भर्ती कराया? सरकारी हाल में भर्ती कराया। क्या नाम है आपका? संतोष मिश्रा, प्रधानमंत्री। ठीक। थाना बेटा गोकुल में यासीनपुर गांव पड़ता है, वहां पर आज एक बारात आ रखी थी टणियावा थाना क्षेत्र के बुंदेला गांव से। जब बारात जो है गांव के पास पहुंची तो पानी बरसने लगा और वो आश्रय लेने के लिए एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। वहीं पर आकाश से बिजली गिरी जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई तथा करीब 10 लोग घायल हैं जिनका जिला चिकित्सालय हरदोई में इलाज चल रहा है। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।